मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठी है, कुछ देर स्मरण करिए। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में दीप जलाने के नियम दिए गए हैं। जैसे दीपक में फूल बत्ती अर्थात गोल वाली बत्ती, हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो या कोई अन्य देवी देवता का स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। आप यदि भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाना। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती का दिया जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ अर्थात बरगद वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं, भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। वहीं दोस्तों, लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, वो लक्ष्मी जी के पूजन में, देवी भगवती दुर्गा जी के पूजन में, मतलब जितनी भी देवियों माताओं की आप पूजन करोगे तो उसमें लंबी बत्ती दीपक में लगाने का प्रमाण है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो पितृ होते हैं उनकी पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है, पितरों को कभी भी गोल बत्ती नहीं लगाई जाती। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने भूल से भी जल के पात्र के पास अर्थात जहां पानी का हंडा या मटका रखा जाता है, उस जगह दीपक में गोल बत्ती रखकर जलाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, घर में धन नहीं टिकेगा। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मटके के पास में, पानी के हंडे के पास में, जहां जल भरते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास दिया लगाओ तो पितर शांत रहेंगे। तो अगर आप पितरों को शांत करना चाहती हैं और उनके लिए दीपक लगाना चाहती हैं, तो आप दिया में कभी भी गोल बत्ती ना लगाएं। अगर आप अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीपक लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। घर में धन आएगा जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, अर्थात घर में पैसा नहीं रुकेगा, बल्कि पैसा धन पानी की तरह घर से निकलता रहेगा। इसलिए आप जब भी पितरों के लिए अर्थात पूर्वजों के लिए दीपक लगाती हैं, तो दिया में हमेशा लंबी बत्ती रखकर दीपक लगाना है। दोस्तों, पूजा करते वक्त सिर्फ दीप जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कहां रखना है यह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और यदि तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। इसी तरह दोस्तों, दीपक की बाती का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इसका भी हमारे शास्त्र में प्रमाण है। दीपक की बत्ती अर्थात लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है, अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों, अगर दीपक की बाती का मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है तो यह घर में दुख बढ़ाती है, घर में सुख समृद्धि नहीं रहती। ऐसे ही यदि दीपक की बत्ती अगर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं तो घर में धन की हानि होती है। साथ ही दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप तेल का दीपक जला रहे हो तो हमेशा लाल धागे की बाती का उपयोग करें। वहीं अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो इसके लिए रुई की बाती का उपयोग करें। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।